मैं हूं सुनीता, एसएनएसएस वेब चैनल के हेल्थ इज वेल्थ सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योग मुद्रासन देखने जा रहे हैं। योग मुद्रा, यह नाम सुनते ही योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम के दौरान इस्तेमाल होने वाली नासिक मुद्रा, चिन मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा जैसी अनेक मुद्राएं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाती है, पर यह योग मुद्रा आसन के अंतर्गत आने वाली योग मुद्रा है। मुद्रा यह संस्कृत का शब्द है, हिंदी में मोहर, अंग्रेजी में सील कहते हैं। यह आसन योगाभ्यासी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ मुद्रा है, दृढ़ मोहर है, दृढ़ सील है। यह योग मुद्रासन नाम ही हमें बताता है कि योगाभ्यासी के लिए कितना लाभदायक है। तो चलिए आज योग मुद्रासन की विधि और लाभ को देखेंगे। योगाभ्यास शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी सूचना आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आपका किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, या किसी तरह का इलाज डॉक्टर के पास चल रहा हो, तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले और अनुभवी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास शुरू करें। योग मुद्रासन को करने के लिए सबसे पहले आपको सुखासन से दंडासन की मुद्रा में आना होगा। फिर दंडासन से वज्रासन में बैठ जाए। पीठ के पीछे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ ले। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करें। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे सामने झुकाते हुए अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास करें। सामने की ओर झुकते समय कमर को ऊपर नहीं उठाना है। कुछ देर इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अपनी क्षमता अनुसार ही शरीर को झुकाना है। शुरुआत में माथा जमीन से न लगे, पर जैसे जैसे हर रोज आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आसन की अंतिम स्थिति में आप परफेक्ट होते जाओगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आकर बैठ जाए। हर रोज खाली पेट कम से कम 5 बार तो इस आसन को जरूर करें। इसके अलावा आप हाथों को पीठ के पीछे रखने की जगह हाथ नाभि पर रखकर सुखासन या वज्रासन में भी यह आसन कर सकते हैं। अपना बायां हाथ का पंजा पेट के ऊपर नाभि पर रखें और दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखकर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुककर योग मुद्रासन कर सकते हैं।
फिर सांस को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। अंत में रिलैक्सिंग पोजीशन में आराम करें। योग मुद्रासन करने से रीढ़ की हड्डी अधिक लचीली और मजबूत बनती है। पीठ, कमर और पेट के स्नायु मजबूत होते हैं। पाचन संबंधी रोग दूर होते हैं। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियास की कार्यक्षमता बढ़ाकर इंसुलिन की निर्मिति बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के रोगियों में लाभ होता है। एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पुरुषों के धातु की दुर्बलता जैसी समस्याओं के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन के अभ्यास से महिलाओं की मासिक धर्म संबंधित समस्याएं भी दूर होती है। भारत में रहने वाले ज्यादातर सभी धर्मीय लोग इसी आसन में अपने पूजा स्थलों में अपने इष्ट देवता के चरणों में सर नवाते हैं और इसी आसन में बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हाथ पीछे बंधे नहीं होते, सामने की ओर प्रार्थना स्थिति में होते हैं। देखा आपने, हमारे पूर्वजों ने संस्कार के रूप में कितना स्वास्थ्यवर्धक आसन हमें सिखाया है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।